अलगू प्रीवियसली वो टॉक अबाउट बाई द ब्लड की एग्जामीन सी एम की एग्जामिनेशन आ जाती है ये हम इसलिए कह रहे होते हैं कि इधर रेप्स उडोमी है बस टी एलिटी हैं तो हमें पता लग जाए ठीक है वही डिफरेंट फेजिज़ ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन है सबसे पहले फेसे फिजिकल फेसे एग्जामिनेशन आ जाती है जिसमें थिक येलो वाइट और प्लेसेंट एंड सिक्रीशन होती है इसकी स्पेसिफिक ऑर्डर होती है और इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो जेलटेस होती है वॉल्यूम की बात करें तो टू टू फाइव एम एल इसका वॉल्यूम होता है और इस्पर्म्स की बात करें तो फोर्टी टू व ट्वेंटी एम एल पर एम के अंदर इतने मिलियंस फॉर्म्स होते हैं दो पार्ट्स होते हैं इसके एक फ्लूइड पार्ट होता है और एक सेलुलर एलिमेंट होता है फ्लूड पार्ट जो होता है वो सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट इनियन से आ रहा होता है और जो सेलुलर एलिमेंट होता है वो टेस्ट से आ रहा होता है इन दोनों की जो कम्पोजिशन होती है वो डिफरेंट होती है जिसकी बेस पर हमें यह फर्दर डिटर्मिन कर रहे होते हैं जैसे क्लीन हम आगे फर्दर टेस्ट में डिस्कस करेंगे क्लिन ले थे नेचर फास फॉर्टर्स अर्थपर्मी जबकि यहाँ स्पर्मेटोजोआ और एपिथेलियल सेल अब इसकी अगर कलेक्शन करनी है तो वो किस तरह से करनी है डिपेंड करते हैं किस जगह पे आपको मिला है स्टीन अगर तो कपड़े पे था तो आपने उसे सुखा लिया और शीट वगैरह में सुखाया ताकि उसकी फ़र्दर प्यूटिफिकेशन ना हो अगर जो तो प्यूबिस हेयर पर लगा हुआ था स्टीन तो वो प्यूबिक हेयर का पोर्शन कट करके रख लिया वजाइना पर था तो आपने उसकी स्मेयर या स्वैब्स वग़ैरह के जरिए उसकी स्मेयर तैयार करनी होती है तीन स्वैब्स हम यूज़ कर रहे होते हैं वन फ्रॉम आउटसाइड ऑफ जेनाटेलिया एंड टू फ्रॉम द इनसाइड ऑफ़ द जेनाटेलिया अगर किसी मॉइस्ट क्लोथ पर प्रेजेंट है तो उसको वगैन ड्राई कर लेना और स्मूथ सरफेस पर अगर वो ड्राई पड़ा हुआ प्रेजेंट है तो उसे हमने क्या करना है कि ब्लंट स्कैलपल से उसे स्क्रैप करके ग्लास कंटेनर पर रख लेना है यह हो गया उठाना कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने सबसे पहले देख लिया कि वो है क्या ठीक है जैसे हमने कहा कि देखने में किस तरह से लगेगा अब अगर वो क्लोथ पर है ना तो उसके कलर डिफरेंट हो सकते हैं फेंड ग्रे येलो रेड ब्राउन वगैरह हो सकता है क्योंकि उसके अंदर ब्लड वेजाइनल सिक्रीशन यूरिया फीसिस वगैरह मिक्स हुई हो सकती हैं ऑर्डर रखी स्पेसिफिक सेमिनल ऑर्डर होती है और यू वी रेस से हम उसे ब्लू वाइट लाइट मतलब फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है तो एक ही इंस्टेंट के अंदर उसको डिटर्मिन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो यू वी रेस के हैं डिफरेंट लाइट देते हैं जैसे से क्रिएशन यूरिन वगैरह डिफरेंट फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे केमिकल टेस्ट की बात करें तो तीन केमिकल टेस्ट आ जाते हैं एक फ्लोरेसेंस टेस्ट है बारबर्डन से टेस्ट है और एसड फॉसफोटेस टेस्ट है फ्लोसेंट टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें आयोर्डन पोटेशम आइडाइड और वाटर यूज कर रहे होते हैं इन डीज क्वांटिटीज़ क्या करते हैं कि सोल्यूशन बना लेते हैं वाटर ही सोल्यूशन स्टेन का और उसके अंदर कुछ कतरे जो हैं वो इस हम रियजेंट के डाल देते हैं ठीक है अगर तो सीमन हुआ तो ब्राउन क्रिस्टल्स के क्लाउड अपेयर होने लग जाते हैं जो कि हेमिन से रिजेंपल कर रहे होते हैं और ये इसलिए होते हैं ड्यू टू द दु प्रेजेंस ऑफ कोलिन पर आयोडाइड ठीक है आयोडीन उन्हें डाला तो कोलीन पर आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी और टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा कि सीमन प्रेजेंट है दूसरा टेस्ट आ जाता है बारबेटन टेस्ट इसमें क्या होता है कि आपको चाहिए सैचरेटेड अल्कोहलिक या एक्वालेशन चाहिए पिकरी सेट का वही आपने स्टेन ले लेना है और उसके अंदर ये येजेंटल के कुछ कतरे डाल देने और आपके पास परमीन पिकरेट के नीडल शेप येलो क्रिस्टल बन जाएंगे और इस टेस्ट में ज़रूरी नहीं है कि स्पर्मेटोजुआ हूँ तब पॉजिटिव आएगा जस्ट अकेले स्पर्म भी है तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है ठीक है ईसड फॉसफिटाइज की तरफ हम आते हैं ईजेड फॉसफिटाइज में क्या होता है कि सीमेंट के अंदर ईसड फॉसफोटाइज प्रेजेंट होता है ह्यूमन के सीमेंट के अंदर भी और मौकी के सीमेंट के अंदर भी अब होता ये है कि ये एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है हम वन सेंटीमीटर स्टेन का मटेरियल लेते हैं और देखते हैं कि उस क्वांटिटी ऑफ स्टेन के अंदर ईसेट फॉसोटीज की कितनी अमाउंट है ठीक है यानी सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि रीसेट फॉसोटेज है तो वो सीमन ठीक है फिर आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक टेस्ट माइक्रोस्कोपिक सिंपल भी हो सकता है और फोरेस्ट माइक्रस्कोपिक टेस्ट भी हो सकता है सिंपल की बात करें तो हम क्या करते हैं कि कुछ स्टीन कुछ ड्रॉप हमने लिए स्टेन के स्लाइड पर डाले स्मेयर बनाई कवर स्लिप लगा दी उसके बाद हमने क्या किया कि एक ड्रॉप हमने डाला थ्री परसेंट ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसेट का और हाई पावर माइक्रस्कोप से देखा ठीक है ये था कि अगर आपको स्टीन ऐसी बढ़ावा मिले ड्रॉप्स आप ले सकते हैं बट एफ क्लोथ पर आपको मिला है तो आप क्या करेंगे उस एसिटिक एसिड के सोल्यूशन के अंदर एक से चार घंटे के लिए डिप करेंगे फिर उसकी स्मेयर तैयार करेंगे ईच ईचन स्टेनिंग करेंगे और फिर हाई पावर पर देखेंगे ठीक है तो दीज आर टू केसेस ये केस वन है और ये वाला केस टू है अच्छा जी अब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या नज़र आएगा पहली बात तो ये है कि अगर तो, तो आपको स्पर्म नज़र आ जाता है ना डिटर्मिन हो जाता है माइक्रोस्कोप के अंदर तो उसका मतलब कि टेस्ट पॉजिटिव हो गया फर्दर डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं बट सिंपली हम सीमेंट को डिटर्मिन कर रहे हैं ना तो काफ़ी सिंपल हो जाती हैं चीज़ें स्पर्म डिफरेंट स्टेजेस पर आपको बेसिकली नजर आ रहे होते हैं इस पर मेडोजोआ भी नजर आ रहा होता है थोड़ी डिटेल की बात करें तो टिपिकल शेप जो होती है उसमें स्पर्म की होती है कि हेड है, नेक और टेल होती है लेंथ होती है फिफ्टी जबकि वेड जो, तो जब जो होती है वो थ्री माइक्रॉन होती है इसकी बॉडी शॉर्ट होती है और लॉन्ग फिलामेंटस टील होती है जो इसका हाइंड हेड होता है ब्लू कलर का जबकि फ्रंट मिडल पार्ट ऑफ द हेड और टेल जो है वो डीप रेड कलर का प्यर हो रहा होता है अब कुछ कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं कि स्टेन की एज क्या है कितनी देर हो गई है स्टेन में लगे हुए जिस फैब्रिक फेक्र, फेबरिक पर लगा हुआ है उसकी टाइप क्या है क्या ज़्यादा इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन तो नहीं होगी कि हम उसे अब डिटर्मिन नहीं कर सकते है? या फिर हमारे तक आने से पहले स्टेन कौन से हालात से गुजरे ठीक है थीके? अब अगर तो पर्मेटोजुआ वगैरह आपको इसमें नहीं मिल रहे ना ही स्पर्म का हेड मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीमन हो ही नहीं सकता हो सकता है कि उस कपड़े को धो दिया गया हो हो सकता है किसी ओल्ड पर्सन का जिसके अंदर फेदर स्पर्म प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही कि हमें वो डिटामिन हम कर लें उसको विद स्मॉल क्वान्टिट्टी ऑफ सीम दैट वी हैव गॉड फ्रॉम एनी वेर या फिर या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सिक्स मंथ से ज़्यादा उस बंदे के हो गए हैं विदमी हुए हुए तो ऐसे केसेस के अंदर जब आपको स्पर्मेटोज तो वाला स्पर्म का हेड नहीं मिल रहा तो हम जाते हैं फ्लोडेसेंट माइक्रोस्कोपी की तरफ फिर फ्लोडेसेंट माइक्रोस्कोपी की तरफ आएँ तो इसमें हम किसी भी फैब्रिक के माइक्रो आर्गनिजम के इंटेफिनस को कम्प्लीटली प्रिवेंट कर लेते हैं हम भी प्रिंसिपल इसका ये होता है कि जो माइक्रोमिसम होता है फ्लोडिस शुरू वगैरह होता है टू तो पता लग जाता है कि काम प्रेजेंट है हम इन टेक्स परमाटोर्ड डिसकनेक्टेड हेड के अंदर जो वाई बॉडी प्रेजेंट होगी उसको भी डिटेमिन कर लेते हैं फिर सैरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आ जाते है। इसमें तीन टेस्ट हैं इसमें फायदा टीन टेस्टें प्रेसपेटीन ब्लड ग्रुपिंग और डी एन प्रोफाइलिंग प्रेसरपोटीन टेस्ट के अंदर सिंपल माइक्रोस्कोपी ही को यूज़ करते हुए स्पेशल का ऑरिजिन बताया लग जाता है ब्लड ग्रुपिंग में ये सीन होता है कि एट्टी परसेंट जो पॉपुलेशन होती है वो सिक्रीटर्स होती है जो कि अपने बॉडी फ्लोइड के अंदर एंटीजेंस को सिक्रीट कर रही होती है और हम फिर एज ऑप्शन एलिवे मेथड के थ्रू ब्लड ग्रुप ही डिटामिन कर लेंगे बंदे का डी प्रोफाइलिंग में ये होगा कि डी टाइपिंग और फिंगर के जरिए हम उसको डिटामिन करेंगे फर्स्ट टाइम की जो चीज़ है ये फोरेंसिक के अंदर डॉक्टर एलेक्क जैफरी ने नाइनटीन के अंदर यूज़ की थी इसमें ये होता है कुछ रिपोर्टेटिव सेगमेंट्स होते हैं निकलोटाइट के जो कि प्रेजेंट होते हैं हर बंदे के अंदर जिससे हम रेपटिव डी एन ए कह रहे होते हैं और ये जो रेपटेट डी एन ए होता है इसकी लेंथ और नंबर हर बंदे में डिफरेंट होती है तो इससे पता लग जाता है